तो प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल आया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के लिए बड़ी खुशखबरी लाया, क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि विराट की जीत पक्की है। जी हाँ, टॉप चार टीमें पक्की हो चुकी है, केकेआर, एसआरएच, राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी। इन चारों के बीच में प्लेऑफ के मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन प्लेऑफ के मुकाबले कैसे होंगे सबसे पहले आपको वो बताते हैं, और उसके बाद बताएंगे कि कैसे आरसीबी के लिए प्लेऑफ में एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और जो जीत की गारंटी दिला रही है। दरअसल पहला क्वालिफायर मुकाबला केकेआर एसआरएच के बीच में होगा, यानी कि नंबर एक नंबर दो की टीम के बीच, 21 मई को अहमदाबाद में। उसके बाद एलिमिनेटर मुकाबला होगा आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच 22 तारीख को अहमदाबाद में 7:30 बजे, यानी कि केकेआर एसआरएच पहले लड़ेंगी, उसके बाद आरसीबी और आरआर लड़ेंगी। पहले क्वालिफायर में से जो भी जीतेगा वो सीधा फाइनल में जाएगा, जो हारेगा वो क्वालिफायर टू में जाएगा, एलिमिनेटर में जीतने वाला क्वालिफायर टू में जाएगा और हारने वाली टीम जो है वो बाहर हो जाएगी। क्वालिफायर टू जो है वो 24 मई को होने वाला है और आईपीएल फाइनल जो है 26 मई को होने वाला है। तो ये जो है ये प्लेऑफ का पूरा चार्ट है, किस तरीके से मुकाबले होंगे, कौन कौन आगे जा सकता है, कौन कौन नहीं। लेकिन अच्छी बात ये है कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आरसीबी को लड़ना है। आरसीबी लगातार 6 मैच जीतकर प्लेऑफ तक पहुंची है, तो राजस्थान रॉयल्स लगातार 4 मैच हार कर यहां आई है, 1 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। ऐसे में आरसीबी के चांस काफी अच्छे हैं कि वो एलिमिनेटर मुकाबला जीत के क्वालिफायर टू में चले जाए। राजस्थान रॉयल्स ने पहले 9 में से 8 मैच जीते थे, उसके बाद हार का सिलसिला शुरू हुआ और नंबर एक टीम जो मानी जा रही थी वो नंबर 3 पर आ गई और उसे क्वालिफायर 1 की जगह एलिमिनेटर खेलना पड़ रहा है। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए तो बुरी खबर है, लेकिन आरसीबी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आरसीबी जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है, हारे हुए मैच जीत रही है, तभी टीम प्लेऑफ में पहुंच पाई और अब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबला जो है उन्हें खेलना है। और यही माना जा रहा है कि आरसीबी जो है राजस्थान रॉयल्स को हरा देगी, क्योंकि जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी भी आरआर में नहीं है। इसके अलावा मई के महीने में मुकाबला होना है, तो आरसीबी मई के महीने में एक भी मैच नहीं हारी, तो राजस्थान रॉयल्स जो है वो मई के महीने में 4 मुकाबले हार चुकी है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा जो है बहुत हल्का दिख रहा है, आरसीबी का पलड़ा जो है वो बहुत भारी दिख रहा है। एलिमिनेटर मुकाबला खेलना है दोनों को, जो मुकाबला होगा 22 मई को अहमदाबाद के मैदान पर 7:30 बजे से, और जो भी ये मुकाबला जीतेगा वो क्वालिफायर टू में जाएगा। तो आरसीबी के चांसेस अभी से जीतने के बने हुए हैं, और एक बार फिर से 2016 की याद सबको आ रही है, जब एसआरएच और आरसीबी के बीच में फाइनल हुआ था, और हर कोई यही मान रहा है कि एसआरएच जो है वो केकेआर को हरा कर आगे पहुंच जाएगी और सीधा फाइनल में, और आरसीबी जो है वो क्वालिफाई टू में जाएगी जहां पे वो केकेआर को हराएगी और फाइनल खेलेगी एसआरएच के साथ। तो ये प्रेडिक्शन अभी तक मानी जा रही है, लेकिन आपकी प्रेडिक्शन क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि इस बार आरसीबी टूर्नामेंट जीत पाएगी।